गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पॉइंट पे। तो आज हम देखने वाले अपने डेली करंट अफेयर्स का अगला लेक्चर और आज है 28 नवंबर। तो चलिए देख लेते हैं आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने से पहले हम देखेंगे कि आज टुडे इन हिस्ट्री में आज के दिन का क्या ऐतिहासिक महत्व है। तो आज है 28 नवंबर और आज ही के दिन 28 नवंबर 1893 को न्यूजीलैंड में पहली बार महिलाओं को जनरल इलेक्शन में वोट करने का अधिकार दिया गया था। यानी वहाँ पे 1893 के पहले महिलाओं को जनरल इलेक्शन में वोट देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ पुरुषों को ये अधिकार था। तो ये था हमारा टुडे इन हिस्ट्री और हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन जो कि हमारा पिछले लेक्चर का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था कि किस राज्य ने 2019 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, के तहत बनाई जा रही उच्चतम सड़क की लंबाई हासिल की है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सड़क बनाई जा रही है उसमें सबसे लंबी सड़क किस राज्य में बनाई गई है, सबसे ज़्यादा सड़क की लंबाई किस राज्य में बनाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जिस किसी ने भी कमेंट बॉक्स में जम्मू कश्मीर आंसर दिया है उनका आंसर सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री, वैसे तो सड़क जो है वो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, स्टेट लिस्ट में है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री कोष के तरफ से, प्रधानमंत्री निधि के तरफ से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। तो उसके तहत जो सड़क बनाई जाती है उसमें सबसे लंबी सड़क बनी है जम्मू कश्मीर में। तो इससे रिलेटेड और भी फैक्ट देख लेते हैं कि इस वर्ष सबसे लंबी सड़क बनी है वो कहाँ बनी है, जम्मू कश्मीर में। दूसरा, इस सड़क की जो लंबाई है 1383 बस्तियों को कवर करने के लिए 11400 किलोमीटर क्षेत्र का निर्माण किया गया है। इसके अलावा जो ये PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है, ये क्या है, देश के असंबद्ध गाँवों में अच्छी ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। मींस सभी मौसमों में, चाहे कोई भी मौसम हो, वहाँ पे कनेक्टिविटी बनी रहे, ऐसी सड़क बनाई जाती है इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा आज का क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में ब्यूबेनिक प्लेग कुछ मामले सामने आए हैं। तो ब्यूबेनिक प्लेग ये एक प्रकार का प्लेग है जो बैक्टीरिया से फैलता है। तो इस प्लेग को के जो मामले आए हैं ये चीन से आए हैं। कहाँ से आए हैं, चीन से। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। तो इससे जुड़ा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ब्यूबोनिक प्लेग जो है ये एक पिस्सू के काटने से, मीन्स इंसेक्ट के काटने से फैलता है। यह यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरियम के कारण, यानी बैक्टीरिया से फैलने वाला ये रोग है, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरियम से के कारण होता है। यह एक जीवाणु संक्रमित बीमारी है या बैक्टीरिया संक्रमित बीमारी है। प्रारंभिक अवस्था में ही प्लेग के लक्षणों को पहचान कर प्रभावी एंटीबायोटिक दवाओं से इसका उपचार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस द्वारा भारत को अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग से इनकार करने के मामले में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के समक्ष इसका मामला उठाया है। यानी अभी हाल ही में क्या हुआ कि पाकिस्तान के द्वारा ऐसा किया गया था, पाकिस्तान के द्वारा अपनी हवाई जो क्षेत्र है उसको उपयोग करने से मना किया गया था, जिसका मामला, क्योंकि अभी भारतीय प्रधानमंत्री को जाना था सऊदी अरब की यात्रा के लिए, उस समय पाकिस्तान ने मना कर दिया था। ओवर फ्लाइट क्लियरेंस की मांग जो की गई थी नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि 370 जो हटाया गया है, इस आर्टिकल 370, इसकी वजह, इसी के विरोध में ये सब पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है और इसकी स्थापना साल 1944 में राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन अभिसमय के संचालन तथा प्रशासन के प्रबंध में की गई थी। यानी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई उड्डयन होता है, हवाई जहाज उड़ती हैं, उनको ये रेगुलेट करता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या, अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना एवं विकास को बढ़ावा देना। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो हेड क्वार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका आपको आंसर जरूर देना है कमेंट बॉक्स में।
अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को सरकारी आवास में कितने साल तक रहने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव पर मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 साल, यानी 1 साल तक अब सही किसी भी शहीद के परिजन सरकारी आवास में रह सकते हैं, उसके बाद उन्हें खाली करना होगा। पहले ये जो नियम था ये सिर्फ 3 महीने का था, यानी कोई भी शहीद हो जाता है तो उसके बाद उसके परिजन सिर्फ 3 महीने तक ही सरकारी आवास में रह सकते हैं, लेकिन अब ये बढ़ा करके 1 साल कर दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी पहल है। तो इससे रिलेटेड और भी फैक्ट देख लेते हैं। तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा जो फैसला लिया गया है ये सेना के तीनों अंगों की मांगों के मद्देनज़र और इस फैसले को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मा गृध कस्य विद्धनम जो कि आदर्श वाक्य है, किसी का आदर्श वाक्य है जिसे हाल ही में जारी किया गया है। तो मा गृध कस्य वधिष्ठनम, ये जो आदर्श वाक्य है ये है लोकपाल क्या है? तो लोकपाल जो है ये है एंटी करप्शन बॉडी है, यानी ये जो भ्रष्टाचार होता है उसको रोकने के दिशा में कार्य करता है। और इस समय जो इसके चेयरमैन है वो कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, जो कि लोकपाल के पहले चेयरमैन भी है। तो लोकपाल के अध्यक्ष और पिनाकी चंद्र घोष ने ही इस आदर्श वाक्य को लॉन्च किया। इसका अर्थ क्या है कि धन का लोभ मत करो, किसी के भी धन का लोभ मत करो। मा गृध कस्य विद्धनम, किसी के भी धन का लोभ मत करो। और लोकपाल का जो ये लोगो होगा, ये लोकपाल जनता निगरानी कानून तथा तिरंगे के रंगों को दर्शाया गया है। इसमें लोकपाल जनता निगरानी कानून तथा तिरंगे के रंगों को दर्शाया गया है इस लोगो में। और इस लोगो का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है किसी के धन का लोभ मत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए भारतीय निगरानी सैटेलाइट कार्टोसैट 3 को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया है? तो कार्टोसैट 3 जो कि कल ही लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया किस व्हीकल से ये बताना है। और इसी कार्टोसैट 3 के साथ अमेरिकी जो नैनो सैटेलाइट्स थे उनको भी लॉन्च किया गया। लगभग 13 अमेरिकी नैनो सैटेलाइट्स थे जिसको लॉन्च किया गया। तो ये है पीएसएलवी सी 47। इसी लॉन्च व्हीकल से कार्टोसैट 3 को लॉन्च किया गया कल, जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो इसरो ने जो ये लॉन्च किया इसमें 13 अमेरिकी सैटेलाइट थे, जो कि अभी हमने आपको बताया। इसके अलावा ये सबसे ताकतवर कैमरे वाला नागरिक उपग्रह है। और ये जो कार्टोसैट 3 है इसमें बहुत ही पावरफुल कैमरे लगे हुए हैं। कार्टोसैट 3 पृथ्वी से 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। कार्टोसैट 3 का कैमरा इतना ताकतवर है कि वह अंतरिक्ष में 509 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर 9.84 इंच की ऊंचाई तक की स्पष्ट तस्वीर ले सकता है। तो इससे ही पता चल रहा है कि ये काफ़ी पावरफुल सैटेलाइट है और ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि सुधीर धर जिनका हाल ही में निधन हो गया ये कौन थे? तो ये एक कार्टूनिस्ट थे, ये पत्र पत्रिकाओं में कार्टूनिस्ट थे और ये कार्टून से रिलेटेड अपने पोस्ट लिखते थे, लेख लिखते थे। तो ये इनका निधन 87 वर्ष की आयु में हुआ और इन्होंने 58 साल के लंबे करियर में की शुरुआत जो इन्होंने की थी वो की थी द स्टेट्समैन से, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है। इसके बाद इन्होंने कई समाचार पत्रों के लिए काम किया, इनमें भारतीय अखबारों के लिए भी काम किया और प्लस विदेशी अखबारों के लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी इन्होंने काम किया, वाशिंगटन पोस्ट, स्टैंडर्ड रिव्यू जैसे समाचार पत्रों के लिए काम किया। और ये समाचार पत्रों में समसामयिक मुद्दों पर कार्टून द्वारा व्यंग के लिए जाने जाते थे, यानी ये कार्टून के द्वारा अपने लेख को प्रदर्शित करते थे, व्यंगकार थे, ये कार्टूनिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक अध्ययन के अनुसार किस देश के किशोर अन्य देशों के किशोरों की तुलना में अधिक सक्रिय हैं? तो अधिक सक्रिय हैं दूसरे देशों की तुलना में किस देश के किशोर ज़्यादा सक्रिय हैं? तो ये हैं भारत के किशोर अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा सक्रिय हैं। तो WHO में ने 16 लाख बच्चों को शामिल किया गया इस अध्ययन में, और इस अध्ययन में 11 साल से लेकर 17 साल के छात्रों को शामिल किया गया था। और ये अपने इस प्रकार का पहला अध्ययन है WHO के द्वारा। और इसमें 2001 से लेकर 2016 के बीच अध्ययन के अनुसार चार देशों टोंगा
समोआ, अफगानिस्तान एवं जाम्बिया को छोड़कर 146 देशों में लड़कियां लड़कों से कम सक्रिय हैं। ये भी एक फैक्ट बताया गया है कि इन चार देशों टोंगा, समोआ, अफगानिस्तान एवं जाम्बिया को छोड़ के 146 देशों में लड़कियां जो हैं वो लड़कों से कम सक्रिय हैं। और WHO के बारे में बताऊं तो ये जो WHO है ये एक इंटरनेशनल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसका मुख्यालय कहाँ पे है तो इसका मुख्यालय है जेनेवा या स्विट्जरलैंड में। जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का एक सिटी है वहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है कि